बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखें, आमीन। तो जनाब, ये सुबह का टाइम है, ये वन वीक पहले की वीडियो है। तो आज मैं आपको अपलोड कर रही हूँ और यहाँ देखें, फजर का टाइम है। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद आसमान पर बादल नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आपको पता है काफ़ी बारिशें भी हुई हैं। तो जो सुबह का मंजर होता है ना, बहुत ही माशाल्लाह से पुरसकून होता है। और हर तरफ से हर तरफ ना आपको ना बस सुकून ही सुकून नज़र आता है, क्योंकि खामोशी होती है। और ये देखिए, सूरज तलू हो रहा है, इसका मंजर भी बहुत ही प्यारा है। अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ बनाई नेचुरल, बहुत ही प्यारी है। जनाब, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज बन रहे हैं जनाब बैंगन, और बैंगन बहुत ही कम बनाती हूँ घर में मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन मुझे बैंगन बहुत पसंद है पर्सनली। तो फिर सम टाइम बना भी लेती हूँ, खुद ही वो लेके आए थे, उन्होंने कहा चलो बना लो, तो मैं अच्छे लगते हैं तो बना लेते हैं। तो मैंने थोड़े से बनाए थे। और यहाँ मैंने जनाब प्याज को हल्का सा फ्राई करके उसमें लहसुन डाल दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम वेजिटेबल्स में जो क्या कहते हैं प्याज होता है, उसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करते ना। तो यहाँ पर फिर जनाब मैंने इसमें टमाटर में और मसाले डाल के इसमें ऐड कर लिए हैं। और इसके बाद जनाब इसकी हम भुनाई करेंगे और अच्छे से इसकी बनाई करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी में, दाल में, किसी भी रेसिपी में जब तक आप इसकी भुनाई अच्छी तरह नहीं करते मसालों की, तो क्या होता है कि हमारा जो सालन है उसमें उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। जब अच्छे से भुनाई की जाती है तो मसाला तो सालन बहुत ही मज़े का बनता है। और जहाँ जनाब मैंने अब बैंगन ऐड कर दिए हैं इसमें। बैंगन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सम टाइम मैं फ्राई करके भी डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने ऐसे ही डाल दिए और इनको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ में आलू मैंने लंबे लंबे करके डाले थे ताकि बच्चे इसको खा लें इजीली। और जनाब यहाँ पे भुनाई किए जा रही हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको पानी डाला है, और यहाँ पे बैंगन रेडी हो चुके हैं। और नेक्स्ट रेसिपी जो है जनाब, ये मैंने साथ ही दूसरे दिन इसमें ऐड कर दिया है। तो जनाब यहाँ पे मैं जो है दाल मसूर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये दाल जो है ना बड़ी झटपट बन जाती है। मैंने टमाटर में दाल मसाला ज़्यादा ऐड कर लिए हैं, और उसमें उसको मैंने प्याज और लहसुन वाले बैटर में डाल के ना, तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और ये ऐसी दाल है ना कि अगर आपके और जनाब ये ऐसी दाल है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये ना बड़ी जल्दी ना झटपट बन के रेडी हो जाती है। और यहाँ मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया है ताकि ना इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए और बच्चों को खाने में अच्छा लगे। बच्चे जो है ना बहुत नखरे करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं है जी, वो चीज़ पसंद नहीं है। तो हर माँ की एफ़र्ट होती है, हर माँ कोशिश कर रही होती है कि ऐसा खाना बनाया जाए कि बच्चे हमारे जो है ना उसको ना शौक से खाएँ। तो इसको मैं भून रही हूँ, दाल की भुनाई कर रही हूँ, इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड किया, उसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़े की ना ये दाल जो थी ना बन के रेडी हुई थी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि असल और नकल चीज़ में ना बहुत फ़र्क होता है, मतलब सस्ती और एक्सपेंसिव चीज़ जो होती है बड़ा डिफरेंस होता है इसमें। ये जो चूल्हा नज़र आ रहा है ना आपको, इससे पहले मेरे पास स्टील का चूल्हा था, तो वो काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ, बहुत अच्छा था, बहुत पायदार था। और क्या कहते हैं, मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं रही, मैंने इस पर ना नॉन स्टिक जब कढ़ाई रखी पिछले दिनों, जब मैंने बनवाया था चिकन मुगलई, नहीं सॉरी पर्दा बिरयानी बनाई थी ना, तो मेरी जो कढ़ाई थी नीचे से सारी ख़राब हो गई। मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि जो मेरा स्टील का चूल्हा था उस पर तो चीज़ें ख़राब होती नहीं थी। और यहाँ मैंने बघार बनाया जनाब, इसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा, थोड़ा सी दाढ़ा मिर्च और डाल के ना उसको बघार लगा लिया, तो ये ना बहुत ही मज़े का जो सालन था बन के रेडी हुआ था। तो मैं आपको बता रही थी कि ये चूल्हा जो है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया, इसका अजीब सा सिस्टम है जनाब कि इसको ना आज तक करो तो ये बंद हो जाता है, और इसके ऊपर पिछले दिनों ना थोड़ा सा पानी गिर गया था तो ये चूल्हा सारा दिन ऑन नहीं हुआ। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको, इसका बटन का मैंने ऑन किया तो बटन निकल के बाहर आ गया जनाब। तो ऐसा है कि जो मेरा पहले वाला चूल्हा था ना बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा था। ये देखिए ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये इसको मैंने ऑन किया ये चूल्हा, और इसका जो सॉरी बटन है वो बाहर निकल के आ गया। और जनाब यहाँ पर दोपहर का टाइम है और हम खाना खाने लगे हैं, तो मैंने कहा चलें ये क्लिप भी ऐड कर लेते हैं। ज़ाहिर है मेरी जो रूटीन है घर की, जो कुछ मैं कर रही होंगी मैं वही ऐड करूँगी ना। तो जनाब मेरी हुरैन को देखें बैठी है, कितनी आराम से, कितनी सुकून से, मैंने सेकंड ऑर्डर शरारत नहीं कर रही, जो मंगवाया था तो वो रिसीव हो चुका है। तो अब फातिमा जो इसको ओपन कर रही है और हुरैन जो है वो देख रही है, हमें इंजॉय कर रही है कि क्या हो रहा है। तो जनाब देखते हैं, तो ये वाइपर मैंने मंगवाया है जनाब, ये वाला
निकालो और चीज़ें ना बेटा, ये मिनी वाइपर जो किचन की जो होता है ना स्लैब क्या बोलते हैं उसको साफ़ करने के लिए ये है। और ये क्या है बेटा? अच्छा ये मैंने मंगवाई थी वो नहीं होती पैकिंग क्या बोलते हैं फातिमा, जो क्रीम नहीं डाल, क्रीम डाल के तो वो जो उसका पैक होता है यार क्या बोलते हैं इसको, पाइपिंग बैग्स बोलते हैं यार, ये पाइपिंग बैग है, माइंड में आ नहीं रहा था, ये पाइपिंग बैग है ना, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे घर में केक बनता है, अभी भी केक बेक कर रही है फातिमा, तो इसमें क्या होता है कि ये वो गणेश और क्रीम वगैरह डाल के ना तो केक के ऊपर हम लोग गार्निशिंग कर लेते हैं। और ये जो है स्क्रैपर है जनाब, सारी चीज़ें यहाँ पर रखो ना ऐसे, इतनी सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, सिक्स आइटम्स मेरे यार, पांच किसी कोई एक नहीं उनके पास था। और ये जो है ये कटर है जनाब, क्रशर है जो लहसुन को क्रश करने वाला, और ये मैंने मंगवाए थे, ये यूज़ करके देखते हैं, ये सॉक्स हैं हील्स क्रैक्ड हील के लिए सिलिकॉन के ये सॉक्स हैं, और ये आपको दिखा चुकी हूँ मैं कि ये पाइपिंग बैग्स हैं, और ये स्क्रैपर्स होते हैं जब केक बनाते हैं ना तो फिनिश के लिए, जब क्रीम हम लगाते हैं ना केक पे तो इससे ना बड़ा एक फिनिशिंग सी एक लुक आती है इसकी, ठीक है। इसमें दो तीन है, खोलो इसको बाद में, तीन है इसमें बीच इसके बीच में ना, और एक आध चीज़ बीच में मिसिंग है, अल्लाह जाने क्या चीज़ उन्होंने नहीं भेजी। मैंने एक और चीज़ भी ऑर्डर की थी, सिक्स आइटम्स है ना हमारे, तो एक आध आइटम जो है वो आई थिंक बीच में मिसिंग है, तो वो इन्होंने नहीं भेजा। और ये देखें कितने तीन पीसेज हैं इसके, दिखाओ ये देखें, एक इससे केक की साइड पर ना और ऊपर की साइड पर डिज़ाइन बना लेता है बंदा, ये तीन पीसेज हैं इसके, तो ये देखें। तो जनाब ये हमारी चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर की थी, और जो ऑर्डर की थी ये वैसे ही आई हैं, तो इट मीन्स कि जो मेरा एक्सपीरियंस था दराज के साथ शॉपिंग का तो अच्छा रहा, ठीक है जी। दराज से हमारा जो सेकंड ऑर्डर था उसका वी पार्ट वीवर जब आ रहा है, ये एक बॉटल ब्रश था जो कि रह गया था, तो अभी मैंने कॉल की है तो जो दराज का जो है राइडर है वो बता रहा है जनाब हमारे पास शिपमेंट लेट हो गई थी, तो ये एक बॉटल ब्रश है, ये देखिए ये मैंने मंगवाया है, ये जो पानी की बॉटल्स होती हैं ना उनको साफ़ करने के लिए ना, ये देखिए। तो अब इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे जी ये कि किसी काम का है भी कि हमें हमने पैसे ही वेस्ट किए, तो यूज़ करके करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये क्या कर रही हो? ये देखें हुरैन जो है ना इसने इसमें डाल दिया, बॉटल ब्रश है।